देखिए, जो मार्गदर्शन और नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी का रहा अभी तक, वो आगे भी रहेगा उसी प्रकार से। और हमारा गोल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम करते रहे, उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। और हम सभी का संकल्प एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी को वापस, जो चुनाव है उनमें वापस लेके आना है और फिर दोबारा उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अभी, क्योंकि काफी कम समय बचा है आप लोगों के पास? जितने भी जरूरी काम है उन सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो गाइडेंस एक नेशनल कन्वीनर के रूप में भी अरविंद केजरीवाल जी रहेगा, उसी के चलते हुए हम आगे काम करेंगे। देखिए, ये पूरी टीम अरविंद केजरीवाल की टीम है और अरविंद केजरीवाल की इस टीम का जो लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए चुनाव तक उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना। दूसरा, अभी खास तौर से चूंकि सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता है, तो उसको कैसे दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के नियंत्रित किया जाए, उसको कार्ययोजना बना करके काम करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की जो और चुनौतियां हैं उनके भी समाधान के लिए हम मिल करके प्रयास करेंगे। अभी काफी कम समय आपके पास, आप चुनाव में जाने वाले हैं और इस बीच एक तरह से फिर से नई सरकार गठित हुई है, क्या कुछ नए काम आपको लगता है कि करना जरूरी है कि चुनाव में नया मुद्दा आप लेकर? देखिए, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आज दिल्ली के लोगों को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, लोग अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, लोगों को फ्री जांच हो रही है, दवाइयां मिल रही हैं, महिलाओं की तीर्थ यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन उनमें जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना और जो कुछ और काम इन चुनाव तक जो हमारे पास समय है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम मिल करके जो है वो प्रयास। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हम लोग दोबारा 4 महीने बाद 5 महीने बाद दोबारा दिल्ली असेंबली का इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम दोबारा बहुत मजबूती के साथ दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। क्या कुछ आगे लक्ष्य रहेंगे आपकी, प्राथमिकताएं काम को लेकर क्या रहेंगे, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बचा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में सारा काम दिल्ली का चल रहा है। चाहे वो एजुकेशन मॉडल हो, आप दिल्ली का देख लें, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे 20,000 लीटर पानी फ्री हो, चाहे महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री हो, तो उन्हीं कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जो मेरे को मंत्रालय मिला है वो चैलेंजिंग पहले भी था, अभी भी है, लेकिन मैं उसको बखूबी से निभाऊंगा। क्या सोच के जब आपको फोन आया कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, तो फर्स्ट दिमाग में क्या चीज आई एकदम? पहले तो शॉकिंग ही हुआ था मुझे तो, अचानक पता चला था, लेकिन अब जिम्मेदारी दिया तो उसको बखूबी से निभाऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।